तो हे गाइस, आज का हमारा कलर है ये। तो हम डिज़ाइन शुरू करेंगे अब, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। तो ये वही डिज़ाइन है, पहले तो मैं हाफ हाफ बनाती थी, तो आज जो आज का डिज़ाइन होगा उसको फुल फुल बनाने जा रही हूँ। तो ये है शुरुआत में, ये एक एक में घर उठाया है, उसके बाद 1 2 3 4 5, फाइव गैपिंग करने के बाद फिर डाला है, फिर 1 2 3 4 5। तो फाइव फाइव गैपिंग करने के बाद हमने इसको डाला है, देखिए। तो अब हम यहाँ पे सेंटर में अभी हम वाइट लगाएंगे, ये सेंटर में, यहाँ पे, यहाँ से 1 2, यहाँ से 1 2, उसके बाद ये बीच में हम लगाएंगे वाइट, 1 2, उसके बाद 3 नंबर में हम इसको लगाएंगे, यहाँ से 1 2, फिर 1 2 3, थर्ड नंबर पे हम इसको लगाएंगे, वन टू थ्री, 3 नंबर पे लगाना है हमें, गलत नहीं करना है, 3 नंबर, यहाँ से 1 2, इस तरफ से भी 1 2, तो ये बचता है ना, तो इस पे हमको लगाना है इस तरह से, तो इस तरह से लगा लेना है जिस तरह से मैंने लगा के रखा है, 1 2 3, 3 नंबर में हमें लगाना है इस तरह से, देखिए। तो अब हम एक तांगे रूल बुक मान लेते हैं, उसके बाद फिर घर को उठाएंगे। तो चलिए एक तांगे रूल बुक मार लेते हैं। तो एक तानिए रूल बुक मारने के बाद हम फूल घर को उठा लेंगे, उठाने के बाद इसको डाल के, तो अब हम शुरू करते हैं। चलिए, इसको तो आपको मालूम ही होगा, अगर मेरा आप ब्लॉग्स देखते हैं तो इस डिज़ाइन को, तो इसको इस तरह से हमें डालना है, सेम वाइट को भी इस तरह से, एक ये एक और ये साइड से, ये दो ना इस तरह से, ओ सॉरी सॉरी, इस तरह से नहीं, गलती हो गया, ये इस तरह से लेना है, फिर यहाँ से ये और इस तरफ से पीछे से ये, इस तरह से हमें लेना है ये, इस तरह से बना लेना है सबको, सबको आप इस तरह से बना लीजिएगा, सेम है, तो मैं बना लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद देखिए, इस तरह से मैंने लगा लिया है सबको। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद हमें तांगे रूल बुक मार लेने के बाद, अभी ये सेकेंड स्टेप हम लोग बनाएंगे घर को उठाने के बाद, देखिए। अब सेकेंड स्टेप सेम है, इस तरह से, इसका जगह नहीं तो छोड़ देगा इसको, अभी वाइट को हमें, वाइट को इस तरह से लेना है, यहाँ पे इस तरह से वाइट को ले लेना है, इस तरह से, उसके बाद रेड जाएगा इस तरह से, रेड जो है सेम शुरुआत में जैसे बनाया था इस तरह से हम बनाते जाएंगे, बस वाइट को हमें इस तरह से डालना है, इस तरह से क्रॉस करके डाल लेना है, फिर ये रेड जो है सेम से जाएगा इस तरह से, फिर इस तरह से वाइट जो है, वह जो इस तरह से जाना है। तो मैं ये सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर तांगे रूल बुक मारने के बाद थर्ड स्टेप कैसा बनाना है उसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को। ये जो सेकंड स्टेप है, तो अभी यहाँ पे हम लोग का सेकंड स्टेप ये कंप्लीट होने के बाद, यहाँ पे हम लोग को एक घर उठाना पड़ेगा, फिर पिंक डालेगा, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है, देखिए। अब इसी सेकेंड स्टेप पे हमें यहाँ पे ऐड करना है,
ऑरेंज ऐड करना है हमें अभी, यही सेकेंड स्टेप पे हमें इसको लगाना है रेड के ऊपर। तो इसको लगाना है अभी सब जगह पे। तो लगा लेने के बाद ये तानगे रुलबुंग मारना है। तानगे रुलबुंग मारने के बाद मैं आपको थर्ड स्टेप दिखाऊंगी। ये पिंक लगा के, सॉरी ऑरेंज, ऑरेंज को लगा के उसके बाद एक तानगे रुलबुंग मारने के बाद अब हम थर्ड स्टेप बनाएंगे। जो थर्ड स्टेप है इस पर भी सेम ही है, तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो भी सेम ही होगा, जिस तरह से बनाते आए हैं उसी तरह से बनाएंगे। सेम है, कुछ अलग नहीं है, इस तरह से। के बाद अभी ये वाइट जो है, वाइट को बस हमें टर्न करना है, इस तरफ आना है कि अभी ये वाइट जो है अभी फोर्थ स्टेप में हम लोग वाइट को ख़त्म कर देंगे। तभी ये जो रेड जो यहाँ पे आएंगे, फिर ये ऑरेंज भी इसी तरह से सेम जिस तरह से बनाते आए हैं उसी तरह से हमें बनाना है। वाइट जो हमारा इस तरह से वाइट को हमें डालना है। उसके बाद इधर आएंगे, फिर इधर इस तरह से आएंगे, इस तरह से, इस तरह से। तो मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाऊंगी। तो अब हम इसको बनाने के बाद, सबको लगाने के बाद तानगे रुलबुंग मार लिया है। तानगे रुलबुंग मारने के बाद अभी हम लोग फोर्थ स्टेप शुरू करेंगे। तो सेम है, उसी तरह से फिर बनाना है हमें। ये जो वाइट है अभी हमारा वाइट जो है ख़त्म हो जाएगा। अभी वाइट को हम नीचे में उतार लेंगे, यहाँ पे इस तरह से ख़त्म कर लेंगे। इस तरह से हम नीचे नमा लेंगे। तो इसी तरह से चार नंबर स्टेप को इसी तरह से करना है। उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद हमें यहाँ पे वाइट डालना है। यहाँ पे पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये अब कंप्लीट हो चुकी है, ये जो रेड और इसको जो वाइट को नीचे उतार लिया ना। तो अब हम यहाँ पे अभी यहाँ पे अब हम नो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब हमें डालना है वाइट। इस जगह पे अभी हमें वाइट डालना है। देखिए इस तरह से मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, इस तरह से वाइट डाल लेना है। तो अभी इधर पर भी वाइट, ये दोनों पर भी वाइट डालने के बाद अब हम पांच नंबर स्टेप को बनाएंगे। तो पहले मैं इसको डाल के यहाँ पे भी वाइट डाल के इधर पे भी वाइट डालने के बाद मैं तानगे रुलबुंग बनाने के बाद आपको फिर पांच नंबर स्टेप को दिखाऊंगी। तो अब हम पांच नंबर स्टेप को बनाते हैं। तो यहाँ से जो है हमको अभी रिटर्न जाना है ना, तो रिटर्न जाने के लिए हमको अभी अब हमें रिटर्न जाना है। तो वाइट को हमको लेना है इस तरह से, इधर आएंगे और ये इधर जाएगा। उसके बाद वाइट का जो है हमको इस तरह से लेना है, ये रिटर्न आ जाएगा। जो पहले मतलब नॉर्मली हम इस तरफ से बना रहे थे ना, तो अब हमको रिटर्न जाने के लिए इसको इस तरफ से मोड़ना पड़ेगा। इस तरह से देखिए, इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। ये जो
देखिए ये रेड और रेड और ये इस तरह से क्रॉस होना पड़ेगा। तो अभी रेड को भी नॉर्मली तो हम इस तरह से बनाते थे ना, तो अब हमको रिटर्न जाना है, तो रिटर्न के लिए हमको इस तरह से मोड़ना पड़ेगा। और ये रेड जो भी इस तरह से, और ये देखिए ये इस तरह से शेप में आना पड़ेगा ना। तो हम सब मोड़ लेते हैं इस तरह से, देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसको देखिए ये दो हमें इस तरह से आना है, इस तरफ से, फिर यहाँ से इस तरफ से लाना है इस तरह से, देखिए, फिर इसको हमको इस तरफ मुड़ना है इस तरह से, और इसको भी इस तरफ से मुड़ना है। आप कंफ्यूज मत होइएगा यहाँ पे, यहाँ से फिर इसको इस तरफ से लेना है इस तरह से, तो इसको भी फिर हमको इस तरह से मुड़ना है। नॉर्मली तो हम जब नॉर्मली बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं ना, तो इस तरह से नहीं लेके हमको इस तरफ अंदर तरफ घुसाना है इसको ना, हमको वाइट को इस तरह से, फिर ये वाइट को इस तरह से लेना है, फिर ये ऑरेंज, ये लाल और ऑरेंज इस तरह से, देखिए इस तरह से लेना है, देखिए इस तरह से जाना है, फिर ये आपका इस तरफ चला जाएगा, फिर ये ऑरेंज इस तरफ जाएगा, ये वाइट इस तरफ, यहाँ पे गलती होने से पूरा सब गलती हो जाएगा, तो इसलिए गलती नहीं करना है। देखें इस तरह से टर्न होना है, ऐसे करके टर्न होना है, ऐसे करके, तो इस तरह से सबको टर्न कर लेना है आपको, देखिए इस तरह से मोड़ लेना है। मुड़ते वक्त आपको एक चीज में ध्यान रखना है, ये देखिए ये लाल और ऑरेंज इस तरह से नहीं मिल रहे बोलने से आपका गलत है, इस पे ध्यान देना है आपको, ये दोनों को ध्यान देने से बस सबका हो गया। इसको इसको और इसको ध्यान देना है, जब आप मुड़ते समय में आप जब उसका टर्न होगा ना, तब उस समय ये सबको ध्यान देना है। देखिए मेन है ये और ये, इसको देना है, देखो ये इस तरफ जा रहे हैं ना, तो मुड़ने के बाद ये इस तरफ आ गया अभी ना, तो इस तरह से मुड़ना है। तो अब मैं एक तानिया रूबरू मार लेती हूँ, उसका बाद 6 नंबर स्टेप को हम बनाएंगे। तो अब हम 6 नंबर स्टेप को बनाएंगे, तो इस पे तो हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि अभी हम रिटर्न हो चुके हैं ना, तो रिटर्न होने के बाद में तो हमारा 6 नंबर स्टेप को हम करते हैं। तो 6 ये जो किनार का है इसको हमें इस तरह से लेना है, तो आपको इसको ये किनार वाला को जस्ट यहाँ से ऐसे करके उसके बाद में यहाँ रूल बुंगा वाला से इस तरह से यहाँ से घुसा देना है, तब ये हो जाएगा तरह से ना। तो अब बाकी स्टेप तो सेम है, टर्न हो गया था हम, तो अभी हमको इस तरह भी बनाते जाना है, इस तरह से हमें जाना है, अभी उल्टा जा रहा है अभी हम लोग ना, देखिए इस तरह से उल्टा आना है, क्योंकि ये उसके बाद ये इस तरह से बॉक्स बन जाएगा ना। तो देखिए मैं दिखाती हूँ, तो आप शुरुआत सबसे पहले शुरुआत इसी से कीजिए, व्हाइट से, व्हाइट से शुरू करेगा तो आपका कंफ्यूज नहीं होगा ना। तो इसको हमें उतारना है नीचे, उसके बाद ये इधर आएगा, देखिए इस तरह से, आपको कंफ्यूज होने से सबसे पहले ये घर को कंप्लीट कीजिए इस तरह से, ये इधर इस तरह से आएगा,
उसके बाद इसको तो बना लिया है, उसके बाद ये रेड आएगा इस तरह से ना। तो आपको कंफ्यूज हो रहा है उनसे, सबसे पहले अब ये बॉक्स को बना लिया ना, अब हम इस बॉक्स को बनाएंगे। देखिए यहाँ से शुरू कीजिए वाइट से ना, वाइट से इस तरह से शुरू कीजिए। आप इसको नमा लीजिए इस तरह से, उसके बाद आपको लाना है ऑरेंज, ये ऑरेंज दोनों को, ऑरेंज इस तरफ आ जाएगा, फिर ये इस तरफ आ जाएंगे, फिर उसके बाद लाल इस तरफ आ जाएगा इस तरह से, उसके बाद ये इस तरफ से आ जाएंगे। देखिए इस तरह से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो हम तो बनाते रहते हैं इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। आपके लिए जो, अगर आप कंफ्यूज होगा तो आप ये वाइट से शुरू करना है ना, ये इस तरफ से जाना है इस तरह से, इस तरह से, उसके बाद वाइट को देखिए, उसके बाद ये ऑरेंज यहाँ पे आ जाएंगे, ये रेड देखिए। अगर यहाँ से हम शुरू करेंगे तो पहले आप वाइट को इस तरह से ले लेना है, उसके बाद इसको यहाँ से नीचे घुसा दीजिए इस तरह से, नीचे डाल लीजिए, फिर उसके बाद आपका ये आ जाएगा ऑरेंज, ऑरेंज का बाद लाल आएगा इस तरह से। देखिए इस तरह से टर्न हो रहा है ना हम लोग का। तो मैं बना लेती हूँ अभी, सबको रिटर्न कर लेती हूँ। तो देखिए सब टर्न हो गया है मेरा, अभी यहाँ तक कंप्लीट कर लिए है। आपका जो है ये वाइट नीचे आए थे ना, तो वाइट के बाद ये जो है यहाँ पे सब अभी घर यहाँ पे आना है। वाइट के बाद ये इधर में आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद ये नीचे चले जाएंगे, फिर वाइट के बाद ऑरेंज के बाद फिर लाल आएगा यहाँ पे, उसके बाद सब। अभी हमको ये जो शुरुआत पे हम उठाए थे ना इसको, ये हमको अभी यहाँ पे डालना है इस घर में ना, यहाँ पे जो दो है यहाँ पे हमको अभी उठाना है। तो देखिए अभी इसको हमें यहाँ पे डालना है इस तरह से, हमको अभी यहाँ पे उठाना है इसको, ये वाइट को यहाँ पे डालना है। सब पे डाल लेना है इस तरह से, इस तरह से डाल लेना है। तो अब हम एक तानगी रुबुंग मार लेते हैं, उसके बाद 7 नंबर स्टेप हम करेंगे। तो चलिए 7 नंबर बनाते हैं। तो ये ऑरेंज है अभी इधर आएगा यहाँ पे, तो ये जो किनार का है यहाँ पे, इसको भी हमको यहाँ पे इस तरह से लेके आना है इस तरह से बीच में। तो वही है अभी, ये जो रेड है उसके बाद रेड आएंगे यहाँ पे, ऑरेंज के बाद रेड आना है इस तरह से, उसके बाद ये वाइट को हमको शुरुआत में जिस तरह से लिए थे उसी तरह लेना है हमको इस तरह से, है ना, ये इस तरह से, ये अभी सेंटर पे, क्योंकि ये नेक्स्ट में 8 नंबर में ये नीचे चला जाएगा ऑरेंज, उसके बाद ऑरेंज के बाद रेड आएगा। देखिए इस तरह से हमें लेना है इस तरह से, से लेना है। ये अगर ऑरेंज बीच में नहीं आ रहा है, मतलब आपका गलती हो रहा है ना, तो यहाँ पे इसे ध्यान देना है। देखिए अभी रीताना के इस तरह लग रहे हैं ना,
तो इस तरह से हमें बनाते जाना है। वाइट को इस तरह से लेना है, इस तरह से, फिर ऑरेंज इस तरफ जाएगा, और सॉरी रेड, फिर उसके बाद ऑरेंज इस तरफ आएंगे, सेंटर पे आ जाएंगे, ऑरेंज के बाद रेड पीछे पीछे आएगा, फिर उसके बाद वाइट को फिर इस तरह से बनाना है, उसके बाद फिर आपको ऑरेंज, वाइट के बाद रेड, रेड के बाद फिर ऑरेंज, इस तरह से। तो इस तरह से बनाना है, मैं बना लेती हूँ। तो अब हमारा ये ऑरेंज नेक्स्ट स्टेप है, ये ऑरेंज को इस तरह से लेना है, उसके बाद ये ऑरेंज को इस समय जैसा यहाँ से ऐसे घुसा देना है, वाइट का, वाइट की तरह ना। अब हमें वाइट को लाना और रेड को लाना है। अब ये जो वाइट है, वाइट अभी इस तरह से आएगा, वाइट जो अभी ना, सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा आएगा वाइट जो अभी इस तरह से, अभी ऑरेंज नीचे चला जाएगा अभी इस तरह से, उसके बाद वाइट, ये रेड इधर आएगा, वाइट इधर चला जाएगा इस तरह से, फिर रेड ऐसा आएगा, उसके बाद जाएंगे ऑरेंज नीचे, ऑरेंज नीचे चले जाएंगे, उसके पीछे पीछे रेड आएगा इस तरह से, फिर हमें वाइट को इस तरह से लेना है, बस इसी तरह से बनाना है हमें। अभी ये ऑरेंज का बाद फिर रेड चला जाएगा नीचे, उसका पीछे पीछे, देखिए ये, उसके बाद वाइट को इस तरह से लेना है, शुरुआत में इसको जैसे लिया था वैसे ही लेना है इसको भी, देखिए इस तरह से, फिर ये इस तरह से आ जाएगा नीचे, उसके बाद ये रेड, रेड के बाद फिर वाइट। तो इसी तरह से बनाते जाना है, मैं ख़त्म कर लेती हूँ। तो इसको भी बना लेने के बाद, तानगे रुलबुंग मारने के बाद, अभी दूसरा स्टेप हम बनाएंगे। देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए हम जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ना आपको, मतलब पूरा डिटेल नहीं दिखा के। तो अभी हमारा जो अगला स्टेप है, इसको हम रेड यहाँ पे आ जाएगा सेंटर पे, तो वाइट को हमको इस तरह से लेना है, ये भी सेंटर पे आ जाएगा वाइट भी, अब रेड भी सेंटर पे आ जाएगा, देखिए इस तरह से एंडिंग है अभी, है ना, यहाँ पे एंड होता है, वाइट भी सेंटर पे आ जाएंगे अभी, देखिए इस तरह से, फिर इसके बाद ऑरेंज का इस तरफ, ऑरेंज के जाने के बाद अब आते हैं रेड, उसके बाद आएंगे वाइट सेंटर पे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम इसको भी बना लेते हैं, उसके बाद लास्ट स्टेप को आपको हम दिखाएगा तानिए रुलबुंग मारने के बाद। तो अब है हमारा लास्ट स्टेप, देखिए ये भी सेम है, इसको भी ऑरेंज की तरह इस तरह लेना है, उसके बाद में ये इसको नमा के इस तरह से इसको यहाँ पे घुसा देना है इसको ना, इस तरह से। तो अब वाइट को भी हमको नमा लेना है, ख़त्म हो गया अभी लास्ट है ना ये। अब इसको रेड को लेना है, अभी रेड नीचे चला जाएगा अभी इस तरह से, उसके बाद वाइट, वाइट नीचे चले जाएंगे, वाइट के बाद फिर रेड, तो इस तरह से ही बनाना है, देखिए इस तरह से बनाना है। सो अभी हम लोग का ये फूल जो है कंप्लीट हो गया है, देखिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद दिखाती हूँ आपको।
सो डियर व्यूअर्स, देखिए कंप्लीट हो चुके हैं हमारा जो ये मुगल डिज़ाइन है। देखिए इस तरह से कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। देखिए सो आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा मुगल डिज़ाइन। ये जो डिज़ाइन है आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा। पसंद आया हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कुछ गलती हुआ तो भी आप ज़रूर बताइएगा। देखिए ये जो है हमारा ये गलाब का डिज़ाइन है। पोड़े का डिज़ाइन जो हमने सिर्फ इसको डाला है, इसको नहीं डाला है, सिर्फ इसी को डाला है। तो अब आफ्टर कंप्लीट ये जो डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैं पोड़े का भी डाल दूँगी आपको किस तरह से दिखता है ये डिज़ाइन डालने के बाद पोड़े। तो आई होप आपको पसंद आया होगा एंड थैंक यू सो मच वीडियो को देख देने के लिए और सब्सक्राइब कर देने के लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोगों के वजह से ही मेरा अभी 1K कम्प्लीट हो गया है। तो आई होप इसी तरह से हम और 1K से 2K 3K इस तरह से आई होप हम लोग सक्सेस होंगे। तो इसी तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिएगा और नया नया डिज़ाइन हम लाते रहेंगे आपके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज के लिए इतना ही। तो गाइस ये जो पोड़े के लिए मैंने अलग से बीच में मैंने वाइट नहीं डाला है, तो इस तरह से पोड़े के लिए मैंने इस तरह से उठाया है। देखिए तो पोड़े को भी मैं थोड़ा सा बता दूंगी शॉर्ट में, नहीं तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ना, इसलिए अभी थोड़ा सा शॉर्ट में आपको मैं बताऊंगी। और अगर आपको ये पोड़े बनाना हो तो मैं एक दिन इसका वीडियो भी फुल ब्लॉग्स मतलब ट्यूटोरियल में बना दूंगी अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो। तो इसको जो है मैं जस्ट ब्रीफ में थोड़ा सा बता दूंगी इसको। तो देखिए सबसे पहले ये एक घर है ना, ये मैंने ली है ग्रे कलर का, गाले का कलर का हिसाब से ग्रे, उसके बाद में रेड, उसके बाद ऑरेंज, फिर एक घर बनाया यहाँ पे ना घर। तो घर के बाद फिर यहाँ पे ये इस तरफ आ रहा है तो ये इस तरफ जाएगा ना अभी, तो फिर उसके बाद ऑरेंज रेड देन ग्रे, उसके बाद फिर ये लाल लाल यहाँ पे एक आँख आएगा, फिर ना एक आँख आएगा, उसके बाद फिर ग्रे, उसके बाद फिर रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद फिर एक घर के बाद फिर सेम ऑरेंज रेड ग्रे, यहाँ तक सेम है ना, यहाँ तक सेम है। उसके बाद मैंने ली है दो रेड, उसके बाद वाइट, फिर दो रेड, फिर वाइट, फिर दो रेड, उसके बाद फिर ग्रे, ग्रे के बाद फिर एक घर बनेगा यहाँ पे एक घर बनेगा, फिर ग्रे, फिर उसके बाद रेड, फिर ऑरेंज, फिर और एक घर, फिर और एक घर के बाद ऑरेंज रेड ग्रे, फिर और एक घर, उसके बाद फिर ग्रे, उसके बाद फिर सेम दो लाल वाइट, दो लाल वाइट, दो लाल, उसके बाद फिर ग्रे, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर घर, उसके बाद फिर ऑरेंज रेड ग्रे, फिर और एक घर आएगा यहाँ पे, फिर ग्रे, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर ये क्या बोलते हैं आपका वाइट आ गया घर, और एक घर आ गया, उसके बाद फिर सेम ऑरेंज रेड ग्रे, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगा आपका दो रेड, फिर वाइट, दो रेड वाइट, दो रेड ग्रे, फिर यहाँ पे एक घर आएगा, फिर ग्रे, उसके बाद यहाँ पे आएगा रेड, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ख़त्म। तो मेरा ये जो है आपका ऐसा होगा 1 2 3, ये तीन आँख सामने में, फिर यहाँ पे गैपिंग होगा, फिर यहाँ पे तीन आँख होगा, फिर गैपिंग होगा इस तरह से। तो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका पोड़े। देखिए तो देखिए गाइस पोड़े कुछ इस तरह से होगा। देखिए तीन घर, उसके बाद गैपिंग, फिर से तीन घर, फिर गैपिंग, फिर तीन घर, फिर उसके बाद गैपिंग, इस तरह से ना कुछ इस तरह से मैंने बनाया है पोड़े को। तो इसका मैं कभी समय मिला तो मैं ट्यूटोरियल पोड़े का अलग से एक ट्यूटोरियल बना के मैं डाल दूंगी। वैसे पोड़े का डालने से बहुत लंबा हो जाता है ना वीडियो, तो उस कारण मैं नहीं डाल रही हूँ। तो एक दिन समय निकाल के मैं ज़रूर डालूंगी। देखिए तभी ये कंप्लीट हो गया है। तो आफ्टर कंप्लीट वाला लुक्स मैं दिखाती हूँ अभी।
तो देखिए कंप्लीट हो चुकी है मेरा गला ये, लेकिन अभी तक मैंने सिलाया नहीं है इसको। सिलाने के बाद मैं आपको शॉर्ट्स वीडियो पे डाल दूँगी पहन के, या फिर वीडियो करके आपको मैं दिखा दूँगी। तो फिलहाल तो देखिए कंप्लीट हो चुकी है, वही है गलाप का। और इसका पोरे का डिज़ाइन थोड़ा अलग है ना, गलाप में मैंने वाइट डाला है और इस पे पोरे में सिंपल सा ऐसे बनाया है। थोड़ा गलाप का भी दिखा दूँगी, ये है गलाप का डिज़ाइन, यहाँ पे मैंने वाइट डाला है ना बीच बीच पे। तो यही था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 1K तक पहुंचाया है उसको बहुत दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरह आप मुझे सपोर्ट करते रहिएगा ताकि हम 1K से 1 मिलियन तक पहुँच सकें ना। तो थैंक यू सो मच। Thank you.